अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है ग्रॉसरी स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजिंग, और किस तरीके से मैं अपने फ्रेश मीट जो है स्टोर करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा ये आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोगों को बताऊँ, अगर आपके कॉम्पैक्ट किचन है, फ्रीज़र छोटा है, तो किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं और अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। तो पहले मैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर लूँ तो मैं ये वीकली बेसिस के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैं धो लेती हूँ और फिर उसे इस तरीके की फ्रीज़र या फ्रिज बैग्स में रख देती हूँ। ये आप वेजिटेबल ट्रे में रख सकते हैं आराम से, बहुत आसानी होती है इससे। अब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है, आपको पता होता है कि भाई क्या ख़त्म हुआ है क्या नहीं। तो टमाटर जो है कुकुम्बर के साथ में रख दूँगी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर नॉर्मल आप ऐसे बैग्स में स्टोर करेंगे तो बहुत जल्दी इसका पानी छूट जाता है, तो इस तरीके से इसे स्टोर करें। बाकी दाल वगैरह जो है मैंने इसके लिए अमेज़ॉन से बॉक्सेस मंगाए थे, तो ये 12 बॉक्सेस का सेट था। बहुत ही हैंडी बॉक्सेस हैं ये और बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत कम जगह लगती है। अगर आप नॉर्मल जो बॉटल्स होती हैं सर्कुलर बॉक्सेस में अगर आप रखते हैं, जैसे बॉटल्स की शेप होती है, तो उसमें काफ़ी जगह इस्तेमाल हो जाती है और जगह जो है कम हो जाती है। तो दाल वगैरह के लिए दाल हो गया, बेसन, रवा, फ्लैक्स सीड्स या दूसरी कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए मैंने इस तरीके के बॉक्सेस में स्टोर कराया है। देखिए कितनी कम जगह में सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बाकी इसमें अलग अलग साइज़ आपको मिल जाती हैं, 500 ग्राम्स का भी साइज़ मिलेगा बॉक्स का, ये 1 kg का साइज़ है। अब जो चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है, जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गया, शुगर और आटा हो गया, मैदा हो गया, तो उसके लिए जो है मैंने बड़े बॉक्सेस मंगाए थे। दाल वगैरह के लिए ये साइज़ के बॉक्सेस काफ़ी हो जाता है। चावल जो है मैं बड़े एक 5 to 10 kg के बॉक्स में स्टोर करती हूँ, और फिर इसे जो है डेली यूज़ के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर अपना टाइम आप बचाना चाहते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं तो इसे अलग से बॉक्सेस में डिवाइड कर लें। और मैंने ये जो है 2 kg का बॉक्स मंगाया था। अब ये बॉटल जो है इसके साथ लिड में एक कप आता है, मेजरिंग कप जो निकालने के लिए होता है, उसे आप मेजर कर सकते हैं, बहुत आसानी होती है। मुझे जो है रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें निकालना और रखना नहीं पड़ता है, बहुत लाइफ आसान हो जाती है। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो शुगर, मैदा, आटा, ये सब चीज़ें मैं इसमें स्टोर करती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ आसान बनाएंगे ना तो आपको किचन में काम करने में भी अच्छा लगेगा, वरना अगर आपके किचन में पूरा मेस होगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। मुझे तो स्पेशली होता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ ऐसी जगह पे। तो चलिए अब आते हैं कि मैं किस तरीके से मैं मीट फ्रेश प्रोड्यूस स्टोर करती हूँ। फ्रेश मीट जैसे कि चिकन हो गया, कीमा, मटन हो गया, मैं इस तरीके के जिप लॉक बैग्स में स्टोर करती हूँ। पहले आप लिख लें, तो अगर जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे चाप हो गए, पाए हो गए, तो वो सारी चीज़ों का भी आप बैग्स बना सकते हैं। मैंने जो है बॉक्सेस में भी स्टोर करा है पहले, जैसे एल्युमिनियम के डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है। तो सबसे कॉम्पैक्ट तरीका मुझे यही लगा है। मैं जिप लॉक के ऊपर ये नाम लिख लेती हूँ, ये आप एवरी मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजबल होते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो जो मैं क्लिंग रैप शीट में जो है 1 kg के हिसाब से या 1/2 kg के हिसाब से मीट जो है डिवाइड कर लेती हूँ। ये चिकन है, मैंने 1 kg के हिसाब से 3 packets बना लिए। क्लिंग रैप करने से ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती हैं चीज़ें, एकदम टाइटली आप उसे रैप कर सकते हैं, आराम से आप उसके ऊपर लेबल भी कर सकते हैं। और जो चिकन और मीट होता है ना वो मैं पहले ही धो लेती हूँ अच्छे से, नमक में भिगा के रखती हूँ 1/2 hour तक के, और फिर उसके बाद उसका पूरा जो खून जो भी ब्लड होता है वो पूरा निकल जाता है, और फिर उसे धो के मैं रैप करके फिर इस तरीके के बैग्स में रख देती हूँ। अगर आप डायरेक्टली फ्रेश जो लोग मीट स्टोर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खून जो है उसमें से निकलता है, आपका फ्रीज़र भी पूरा मेस हो जाता है, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कीमा भी देखिए बिल्कुल मैंने 1/2 kg के हिसाब से 3 packets बना लिए थे। तो ये भी मैंने धो लिया था, इसका पूरा पानी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया, और फिर इसे आप स्टोर करेंगे
आप चाहें तो क्लिंग रैप की जगह डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो आपको अपने हिसाब से करना है आपकी जगह के। तो देखिए कितना कॉम्पैक्ट बनाया है और कितना नीट लग रहा है। और मैं स्मॉल क्वांटिटी में मीट स्टोर करती हूँ ताकि डीफ्रॉस्ट करने के लिए भी आसानी होती है जब मुझे काम करना होता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करेंगे तो आपको डीफ्रॉस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। कम पैकेट बनेगा कम साइज़ का तो जल्दी डीफ्रॉस्ट होगा। आप जब इस पर भी मेंशन कर सकते हैं, तो ये बोनलेस का एक पैकेट था, मैंने बोनलेस मटन जो है अलग से स्टोर किया है जो कबाब वगैरह में यूज़ होता है। जो फ्रेश चिकन होती है वो उसकी रेडीमेड जो है, यहाँ पे अगर आप गल्फ में रहते हैं तो आपको रेडीमेड ट्रेज मिल जाती है इस तरीके की। तो ये 3-4 जो है ट्रेज आप रख सकते हैं। और ये प्रॉन्स है 1 kg जिसको मैंने साफ़ करके दोनों बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया है हाफ हाफ kg के हिसाब से। अब हमारा सारा मीट जो है ऑर्गेनाइज हो गया है। मैं आपको फ्रीज़र में बताऊँ कि मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ। अब देख रहे हैं कि मटन और पूरा जो है मैंने ऊपर के सेक्शन में रख दिया है और सब एक साथ आ गया है। यहाँ पे मटन है, कीमा है, चिकन है, बोनलेस ट्रे जो मैं और लूँगी वो इधर आ जाएगी एंड फिश। तो मैं ये सारी चीज़ें डिवाइड कर लेती हूँ ऊपर नीचे, हाँ, ताकि जो रॉ मीट है वो एक साइड रहता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ होती है या फ्रेंच फ्राइज है या नगेट्स है वो अलग रखती हूँ ताकि कंटेमिनेशन नहीं हो। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग और बजट के लिए मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी कि आप जो मैक्सिमम ग्रोसरी होती है फ्रेश के अलावा तो वो आप ऑनलाइन खरीदें। ऑनलाइन खरीदने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि कार्ट में आपके कितना टोटल हुआ है और क्या चीज़ें होती हैं। हम सुपरमार्केट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद लेते हैं। उसके अलावा आपको ऑनलाइन बहुत सारे कूपन कोड मिल जाते हैं, फर्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए भी काफ़ी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको सेविंग करना है तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। तो अभी जो है ये ग्रीन पपैया है उसको मैं कट करके इसका भी पेस्ट बना रही हूँ। ग्रीन पपैया, रॉ पपैया जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होता है मीट टेंडराइज़र के लिए। तो मैक्सिमम एक रेसिपी में जो आप डेली बनाएंगे तो मैक्सिमम 2 tablespoons जितना यूज़ होगा। तो हर बार इतना पपैया ला के उसे फिर वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसका जो है पूरा ऊपर से पील कर लूँगी और बिल्कुल थिक सा आपको पेस्ट इसका बना लेना है। अब ये पेस्ट जो है ना आप आराम से 2-3 months तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और पेस्ट बना के आप या तो इसे आइस क्यूब ट्रे में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये बॉटल में इस तरीके से स्टोर कर लूँगी क्योंकि कम जगह इस्तेमाल होती है इसमें। और आपको खाली निकालना है 2 tablespoons जितना आप निकाल लेंगे इसमें से और रेसिपी में डाल के फिर उसके बाद उसे वापस फ्रीज कर दें। ये 2-3 months तक के बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपका वेस्टेज कम होगा। इसके अलावा जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी मैं मंथ या वन एंड हाफ मंथ के हिसाब से बना लेती हूँ। इस तरीके की ग्लास बॉटल्स आप ले लें, उसको अच्छे से स्टेरलाइज कर लें। तो कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो ग्रीन होने लगता है। तो अब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है विनेगर डाल के या बहुत सारी चीज़ें, बट इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ा है कि ग्लास बॉटल में मैं स्टोर करती हूँ और जितना मुझे वीक के हिसाब से ज़रूरत होती है मैं उतनी बॉटल्स बनाऊँ। तो अगर आप एक महीने के हिसाब से बना लें तो आप 4 bottles बना लेंगे। दूसरी बात कि जब आप इसे पीसते हैं तो फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें और जैसे ही आप बनाएंगे अदरक लहसुन तो फ़ौरन इसे फ्रीज़ कर दें। तो मैं वीक के हिसाब से अगर एक बॉटल ख़त्म हो गई है तो मैं दूसरी निकाल लेती हूँ। उससे जो है अदरक लहसुन फ्रेश होता है और बिल्कुल ग्रीन नहीं होता। तो इस मंथ जो है मैंने 3 bottles बनी है, बट मैंने 1 bottle जो है फ्रिज में नीचे रखा है वो पहले यूज़ करूँगी फिर दूसरी निकालूंगी। ग्लास बॉटल्स आप पूरी ऊपर तक के नहीं भरना क्योंकि वो जो है टूटने के चांसेस होते हैं अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी लेटेस्ट वीडियोस, रेसिपी वीडियोस चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच।